आप लोग अपने घर बैठकर आसानी से टैक्स मालूम कर सकते हैं कि बजट 2024-25 में हर मुलाजम पर कितना टैक्स लगा है, हर मुलाजम की तनख्वाह पर कितना टैक्स लगा है सिर्फ 2 से 3 मिनट पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत होंगे। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशन के साथ एक अहम तरीन अपडेट के साथ हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में मैंने आप लोग को बताना है कि जो 12 जून 2024 को बजट पेश हुआ है, इसमें जो मुलाजमीन पर टैक्स लगा है वो टैक्स कैलकुलेटर जो आप लोगों के साथ शेयर करने है, आप लोग आसानी से ऑनलाइन अपने घर बैठकर आपकी सैलरी पर कितना टैक्स लगा है वो फाइंड किस तरह करेंगे। वीडियो 2 से 3 मिनट की होगी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हुकूमत ने कहा है कि जिनकी सैलरी 60,000 है उन पर टैक्स लगेगा, 60,000 से नीचे कोई किसी पर टैक्स नहीं लगेगा। तो इस हम कैलकुलेटर को यूज़ करके देखेंगे कि कौन से मुलाजमीन पर टैक्स लग रहा है और कौन से मुलाजमीन पर टैक्स नहीं लग रहा। तो इसकी तफसील शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों के साथ इसी तरह लीगल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती रहे। तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर कि इनकम टैक्स कैलकुलेटर पाकिस्तान 2024 और 2025, आप लोगों ने जस्ट इसमें अपनी मंथली सैलरी है वो आप लोगों ने एंटर करनी है तो आपकी डिटेल ओपन हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हुकूमत की बात मानते हैं कि जिस 60,000 पर कितना टैक्स लग रहा है, इधर हम लिखते हैं 60,000। ये देख सकते हैं हमने लिखा है 60,000। तो 60,000 पे आ गया आपका मंथली जो इनकम है वो, यानी 60,000 है। इसमें आपका जो मंथली टैक्स होगा यानी 500 रुपया कटेगा और टैक्स के बाद आपकी सैलरी बचेगी 59,500 रुपया। नीचे आपकी सालाना सैलरी लिखी हुई है और इसमें आपका एनुअल टैक्स बनता है 6,000, यानी हर मुलाजम ने जिसकी 60,000 सैलरी है उसने एनुअल 6,000 टैक्स पे करना है हुकूमत को। और टैक्स के बाद जो अमाउंट नीचे नज़र आ रही है 7,14,000 मुलाजम की सालाना सैलरी में से बचेगी। नीचे देख सकते हैं कि उन्हें कौन सा फार्मूला लगाया है, उन्हें 5% वाला फार्मूला लगाया है मुलाजमीन पर। तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप लोगों आसानी से इसको फाइंड कर सकें। और उसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि जिसकी पर टैक्स नहीं लग रहा, फर्ज करें हम इधर 50,000 कर लेते हैं, उसकी चेक करते हैं आए उस पर टैक्स तो नहीं लग रहा। जी 50,000 देख सकते हैं, जिसकी सैलरी 50,000 रुपये है उस पर टैक्स नहीं लग रहा। मंथली इनकम 50,000 लेकिन मंथली टैक्स जो है वो मुलाजम पर 0 है, टैक्स के बाद उसकी सैलरी सेम है और उसकी जो है सालाना सैलरी भी सेम है, यानी कोई टैक्स नहीं है उस पर, कोई फार्मूला नहीं लगा हुआ है। यानी इससे वेरी सिंपल, जो मुलाजमीन है जिनकी तनख्वाह 60,000 या 60,000 से ऊपर है उस मुलाजम पर, या 100 भी ऊपर है बल्कि 60,000 ही है उस पर टैक्स लाजमी लगेगा। तो ये जो कैलकुलेटर है मुलाजमीन के लिए 2024 और 2025 तक, इस कैलकुलेटर को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आप लोग फाइंड कर सकते हैं कि आपकी एक सैलरी में से डिडक्शन हुई है तो कितने परसेंट हुई है और कितना टैक्स आपकी सैलरी में से कटौती है। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के साथ शेयर करना यहाँ ज़रूरी था। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना है, आप लोगों ने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि आप लोगों के साथ इसी तरह लीगल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती रहे।